अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस सेशन में आपसे शेयर करने वाली हूँ ऑनियन पकोड़े। ये खाने में बाहर से बहुत ही क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और इसके लिए बहुत कम चीज़ों के इस्तेमाल होता है। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक नज़र देख लीजिए। प्याज के पकौड़ियों के लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्याज। मैंने यहाँ 6 से 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। ये देखिए, अगर इस साइज़ के हैं तो आप 9 से 10 भी ले सकते हो। मैंने 1.5 गिलास यहाँ पे चावल का आटे का इस्तेमाल किया है, और 3 गिलास जो है बेसन के आटे का इस्तेमाल करेंगे। और ग्लास का मेजरमेंट ये है, 100 ml है इसका मेजरमेंट। आधी चाय की चम्मच हल्दी लिया है, इससे पकौड़ियों में अच्छा कलर आएगा। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और 3 चाय के चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने, और 250 ml पानी का इस्तेमाल करेंगे। डीप फ्राइंग के लिए तेल चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। एक बाउल में हम सब ड्राई मसाले शामिल करेंगे। शामिल करके इसमें हम अब चावल का आटा शामिल करेंगे और बेसन शामिल करेंगे। करके पहले चम्मच से अच्छे से हिला लेना है। हिलाकर जो प्याज हमने लिया है उसे मैंने स्लाइसेस में काट के रखा है। अगर आप चाहे तो जुलियन कट भी कर सकते हो, लेकिन स्लाइसेस वाले पकोड़े जो हैं दिखने में अच्छे दिखते हैं। इस तरीके से आप काट लीजिए। बहुत सारे लोग ऑनियन पकोड़ों में पानी शामिल नहीं करते हैं। प्याज में जो नेचुरल पानी रहता है उसी के साथ अच्छे से मैश करते हैं आटे में, तो आप ये गलती मत कीजिए। पानी आप शामिल कीजिए। पानी शामिल करने से प्याज जब डीप फ्राई होते हैं तो अंदर से सॉफ्ट होते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ml पानी लिया है। हमें पूरा एक साथ शामिल नहीं करना है। 200 ml मैं अभी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा अच्छे से आटा मिलाकर फिर उसके बाद हम बाकी का 50 ml शामिल करेंगे। अब हम बाकी के 50 ml पानी भी शामिल कर देंगे। करके अच्छे से मिला लेंगे एक बार। दोस्तों, ये हम क्विक ऑनियन पकोड़ा बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें सिर्फ ड्राई मसाले शामिल किया है। अगर आप चाहे तो इसमें आपके पसंद के मसाले शामिल कर सकते हो, जैसे कि कुटी हुई अदरक, धनिया पत्ता, हरे मिर्च, लेकिन जायका इसका उतना ही रहेगा जितना ये मैं सिंपल से बता रही हूँ। पकौड़ियों के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे बाजू में रख देंगे। स्टोव ऑन करके कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें हम तेल शामिल करेंगे डीप फ्राई के लिए। तेल पहले अच्छे से गरम होना चाहिए, फिर आंच को धीमी कर देना है। धीमी करके पकौड़ियों के आटे को आपको जो साइज़ चाहिए उस साइज़ के आप तेल में शामिल कर लीजिए। पूरे एक साथ नहीं करना है, थोड़े थोड़े करके इसे हम डीप फ्राई करना है, वो भी दरमियानी आंच पे। 1 मिनट तक इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर 1 मिनट के बाद चम्मच से आप पलटा लीजिए। पलटा कर अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर दूसरी ओर पलटा कर फिर और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए दरमियानी आंच पे। कलर इसका सुनहरा होते पर ही आप निकाल लेना है, इसे ज़्यादा देर तक जलाना नहीं है। तकरीबन 6 से 7 मिनट का वक्त लगा है पकौड़ियों फ्राई होने के लिए, वो भी दरमियानी आंच पे। ये देखिए, ये कलर आते कि आपने ना इसे तेल में से निकाल लेना है। आप देख सकते हो हमने आटे में पानी शामिल किया है, इसीलिए तेल क्लियर है। अगर आप पानी नहीं मिलाएंगे तो प्याज तेल में छूट जाएगा। उसी तरीके से आप दूसरे पकौड़ियों के साथ भी वही प्रोसेस फॉलो कीजिए।
पहले एक मिनट तक पकौड़ियों को डिस्टर्ब मत कीजिए, धीमी से दरमियानी आंच पर रखिए। फिर एक मिनट के बाद उसे आप पलटा लीजिए। तकरीबन 6 से 7 मिनट का वक्त लगेगा पकौड़ियों तैयार होने के लिए। ये देखिए सुनहरा होते पर ही आप इसे दूसरी प्लेट में निकाल लीजिए। ये देखिए तेल अभी भी कितना क्लियर है। तो आइए मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। दोस्तों, अगली बार जब आप ऑनियन पकोड़ा बनाते हो तो अपने पकौड़ियों में चावल का आटा ज़रूर शामिल कीजिए और मेरी वाली ये रेसिपी ज़रूर कोशिश कीजिए। बनाइए इसे, खाइए और मुझे दुआओं में याद करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।